अरे खाना लाओगी या उपवास रख लूं? फिर से वही घिसा पिटा खाना। सुनो, मैंने सुशीला के लिए लड़के देखे हैं, तुम भी देख लो। चार लड़कों की फोटो आ गई है मेरे पास, इनमें से एक पसंद करो और उसकी शादी करवा दो। अरे ऐसे फोटो देखकर कैसे कर दूं? जाति देखनी होगी, घर देखना होगा, लड़के क्या करते हैं, प्राइवेट नौकरी है या सरकारी अफसर है, कोई नशा वसा तो नहीं करता पहले वाले जैसा है? अरे इनमें से कोई भी नशा नहीं करता और कोई सरकारी भी नहीं है, सबका अपना बड़ा बिजनेस है। क्या सरकारी नहीं है? फिर तो अभी रिजेक्ट। मेरे पास है एक से बढ़कर एक सरकारी अफसर। ऐसा है, तुमसे तो बहुत ज्यादा कमाते हैं, अपना घर है, अपनी गाड़ी है, और क्या चाहिए, बड़े आए सरकारी वाले। हाँ तो बिजनेस तो पहले वाला भी करता था लेकिन साला बेवड़ा निकला। अरे तो तुम लड़का तो देख लो पहले। अरे मैं शकल देखकर क्या करूंगा, सुशीला को बुलाओ, शकल तो उसे पसंद करनी है ना। सुशीला, हाँ भाभी। सुशीला, हम लोग तेरी शादी कर रहे हैं, ये कुछ लड़कों की फोटो आई है मेरे पास, तू इनमें से एक देख और शादी कर ले। लेकिन भाभी मुझे तो अभी शादी ही नहीं करनी। सुशीला, शादी तो करनी पड़ेगी, और कब तक तू मेरे सिर पर यूं बैठी रहेगी? अच्छा लगता है क्या तुझे कि मैं रोज रोज तुझे ताने मारती हूँ? ऐसे जिद नहीं करते ना, जल्दी से इनमें से एक लड़का देख, शादी कर और दफा हो जा। ठीक है दिखाओ। दिखने में तो ये ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? 5'8" है। करता क्या है? बिजनेस है उसका। किसका बिजनेस है भाभी? अरे वो जो सेक्टर 52 का मेट्रो है ना, वो इसका है क्या? मेट्रो इसका कैसे हो सकता है? तो फिर वो जो मेट्रो का पिलर नंबर 101 है ना, उसके नीचे वो जो बड़ी सी दुकान है बर्गर की, नहीं नहीं मूंगफली की। हैं? मूंगफली? अरे दो दो आदमी काम करते हैं उसके नीचे। अरे तो एक ग्राम विकास अधिकारी की बहन मूंगफली वाले से शादी करेगी क्या? और नहीं तो क्या भाभी, मैं क्या आपको मूंगफली बेचने वाली दिखती हूँ? तो तू कौन सा पहली बार शादी कर रही है, लड़का मान गया ना, यही गनीमत है। रहने दो, तुम अपने जैसे ही लड़के दिखाओगी बस। मेरे पास है एक सरकारी अधिकारी, 65,000 रुपए कमाता है, उससे शादी होगी सुशीला की। हाँ भैया आपका वाला ही ठीक लग रहा है। अच्छा और दहेज कौन देगा? मैं दूंगा। हाँ बस यही करते रहते हैं हम, इसकी शादी में दहेज देते रहते हैं, ये घर तोड़ के घर वापस आती रहेगी। अरे तो अभी शादी हो गई क्या जो दहेज को लेकर तुम बवंडर मचाने लगी? भैया आप इनको छोड़ो, आप फोटो दिखाओ। ये देख फोटो ले। भैया इस सांड से शादी करूंगी और मैं, दिखा जरा फोटो। देखा, तेरे भैया ने बिल्कुल अपने जैसा लड़का ढूंढा है। अरे तुम अनपढ़ों को क्या पता, आईएएस की तैयारी करते करते बाल चलेगा इस लड़के के, लेकिन आज नीली बत्ती वाली गाड़ी में घूमता है, आगे पीछे लोग जी हुजूरी करते हैं इसकी। भैया मुझे नहीं चाहिए ये नीली बत्ती वाला। हाँ तो जाके कर ले मूंगफली बेचने वाले से शादी, जब मूंगफली के छिलके पे सुलागा तब पता चलेगा तुझे। अरे रहने दो तुम ये सब, मेरे पास और भी लड़के, तू इसकी फोटो देख। हाँ तो मेरे पास भी है एक से बढ़कर एक सरकारी अफसर, समझी तुम? हाँ देखा अभी, अदरक की शक्ल का सरकारी ऑफिसर। भाभी ये तो बड़ा स्मार्ट दिख रहा है ना, इसका नंबर दे दो प्लीज मुझे। चुप कर, स्मार्ट होने से घर नहीं चलता, कमाने वाला होना चाहिए। वो मूंगफली बेचने वाला था, ये पकोड़े बेचने वाला होगा। हाँ तो गलत क्या है इसमें, तुम भी तो 4 बजते ही ठेले पे चले जाते हो, 4 प्लेट पकोड़े ठूसने। हाँ तो जाऊंगा ही, जब घर पे पकोड़े के नाम पे धोखा मिलेगा तो आदमी बाहर जाएगा ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी बहन की शादी पकोड़े बेचने वाले से कर देगा, समझी? भाभी मुझे नहीं करना ये पकोड़े बेचने वाले से शादी। अरे सुशीला वो ये बिजनेस करता ही नहीं है। तो फिर करता क्या है ये? अरे उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, पूरे दिल्ली NCR में ना 100 से ज्यादा लोग उसके अंदर काम करते हैं। अच्छा तो ये नेटवर्क मार्केटिंग वाला होगा? नहीं नहीं फिर। अरे उसकी 60,000 रुपए तनख्वाह है। अरे ऐसा क्या करता है जो एक ग्राम विकास अधिकारी से ज्यादा सैलरी लेता है? अरे नोएडा के हर सेक्टर में ना उसके एजेंट काम करते हैं, हम जो यूं ही सामान ऐसे फेंक देते हैं ना, उसको बेच के ना वो सोना कमाता है। अरे कबाड़ का बिजनेस है उसका। अरे मेरी जान पहचान का है, बहुत अच्छा लड़का है। अपने भाई का रिश्ता मेरी बहन से मत जोड़ो, क्योंकि वो भी एक कबाड़ी वाला है, जब यहाँ आता है कुछ ना कुछ सामान उठा के लेके जाता है, फिर उसे बेच के पैसे कमाता है। मेरे भाई को कबाड़ी वाला मत कहना। अच्छा भाभी तो आप मेरी शादी कबाड़ी वाले से करने को तैयार हो? छोड़ इसको तू सुशीला, मैं एक लड़का दिखाता हूँ, जिला विकास अधिकारी साहब ने बताया है पुलिस में है लड़का, माँ बाप का इकलौता है और अगले साल दरोगा बनने वाला है। भैया फोटो दिखाओ। फोटो का क्या करेगी, शादी से पहले लड़के की शक्ल नहीं देखते? क्यों
जरूर कोई खोट होगा, फोटो दिखा उसकी। लड़का पुलिस में है, शिकायत कर दी ना तो अंदर सड़ोगी जिंदगी भर, समझी तुम? फिर ये ग्राम विकास अधिकारी निकलवाने भी नहीं आएगा। पुलिस वाला होगा अपने घर में, तुम पहले फोटो दिखाओ। हाँ भैया फोटो दिखाओ, मैं बिना फोटो देखे शादी नहीं करूंगी। अरे तुझे अपने भाई पे विश्वास नहीं है? बोल दिया लड़का अच्छा है, जयमाला पे देख लेना। अरे सुशीला बिल्कुल नहीं, अपने भाई के बहकावे में तो बिल्कुल मत आना, ये अपने ही जैसा कोई टकला ढूंढ देगा तुम्हारे लिए। नहीं सुशीला तू ये देख, ले देख। भैया इसका तो सर ही नहीं है, कहाँ है इसका सर? अरे सांवला है, थोड़ा ध्यान से देख। सांवला? ये तो तवे की तरह पूरा काला है, देखो। तभी फोटो नहीं दिखा रहे थे, देखा मैंने कहा था ना कि इनके बहकावे में मत आना। 25 साल पहले ऐसे ही बहकाया था मुझे और आज तक मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। हाँ तो 25 साल से मैं भी तुम्हें झेल रहा हूँ, रोज दफ्तर में तुम्हारी वजह से 12-12 घंटे रहता हूँ। अब से तुम 24 घंटे रहना, क्योंकि तुम नहीं होते हो ना तो इस घर में थोड़ी शांति होती है। अच्छा मेरे घर से मुझे ही निकाल रही हो? भूलो मत कि ये घर मेरा है और मैं इस घर का मुखिया हूँ। इस गलत फैमिली में मत रहना, तुम्हारी वैल्यू इस घर में सिर्फ 55,000 से है। एक ग्राम विकास अधिकारी से बढ़ के 55,000 हो गए? अरे चुप करो यार आप दोनों, मेरी शादी कराने चले थे आप खुद ही लड़ बैठे। वैसे मैंने एक लड़का देखा हुआ है। क्या करता है वो? अरे बहुत बड़ी दुकान है उसकी, जैसे ही शटर खोलता है ना कस्टमर की भीड़ लग जाती है। उधारी वगैरह की तो टेंशन ही नहीं है, सब कैश का काम है उसका। अरे पहले ये बता कि बेचता क्या है? देसी शराब का ठेका है उसका और ठंडी बियर भी बेचता है। लो फिर फिसल गई बेवड़े के चक्कर में। भाभी वो सिर्फ बेचता है, पीता नहीं है। अरे क्या गारंटी है कि पीता नहीं है? तुम पहले गारंटी वारंटी मांग लो। बहनोई ढूंढने जा रहे हो या टीवी फ्रिज खरीदने जा रहे हो? अरे पहले आप दोनों से मिल तो लो। एक ग्राम विकास अधिकारी दारू बेचने वाले से नहीं मिलता। तुम्हारे मिलने जुलने से क्या होता है जब तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारी बहन उससे मिल रही है? भाभी भैया को मेरे खिलाफ भड़काओ मत। जब दारू की शीशी ही देखनी है तो चली क्यों नहीं जाती पहले वाले के पास, खर्चा भी बचेगा। अरे तुम कौन होती हो इसे उसके घर भेजने वाली? अरे अपने घर नहीं जाएगी तो क्या मेरी तुम्हारी छाती पे मूंग दरेगी? भाभी मुझे मेरे भैया खिलाते पिलाते हैं, आप नहीं समझी? समझने के लिए इस खोपड़ी में बुद्धि होनी चाहिए जो कि इस औरत के पास है नहीं। हाँ तो 25 साल से कोई रोज नाक की तरह डसेगा तो कहाँ बचेगी बुद्धि? हाँ तो 25 साल पहले तो जैसे यूपीएससी क्रैक करके आई थी तुम। यूपीएससी क्रैक किया होता ना तो तुम जैसे जंगलियों के साथ यहाँ टेबल पे ना बैठी। भाभी मेरे भैया को जंगली मत बोलना और तुम बीच में बकर बकर मत किया करो। ये रोज रोज का सर्कस मत शुरू किया करो सुबह सुबह। हाँ तो जब घर में दो बंदर बंदरिया हो तो सर्कस तो होगा ही ना। भाभी मैं बंदरिया नहीं हूँ, आप जवान संभाल के बात करो। संस्कार सीखे हो तब ना। सब जानते हैं कि कौन अपने घर में है और कौन घर छोड़ के आया है, तो यहाँ संस्कारों की बातें ना ही हो तो अच्छा है, समझे? पच्चीस साल से रोज रोज यही जहरीला खाना मिलता है बस, फिर भी ये वही का वही।